गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th. दिस क्लास इज ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 पार्ट 3. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेंटेंस. इन पार्ट 1 आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड वॉट एक्सैक्टली अ सेंटेंस इज एंड इन पार्ट 2 आई हैव एक्सप्लेन दैट हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर देयर. In this video, we will complete the exercise of this chapter so that this chapter will be completed today for sure. Okay. Now, all the exercise I have been already done for you. Exercise number A is name the kind of each sentence. यहाँ पे 10 sentences दिए हुए हैं. हमें ये बताना है ये कौन से kind का sentence है बेटा. इसको आप खुद भी solve करने की कोशिश करिएगा. मैंने वैसे आप लोगों के लिए solve कर दिया है. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है. टोटली बेस्ड है मेरे पार्ट 2 के वीडियो पे. पार्ट 2 का वीडियो काइंड ऑफ सेंटेंसेस जब आप अच्छे से समझेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी आपके करने के लिए. ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट करिएगा तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. एक्सरसाइज नंबर बी भी यही है. कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें बताना है कौन से टाइप का सेंटेंस है. ये एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है. एक टॉपिक जो अनडिस्कस्ड था वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, इसको हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. किसी भी सेंटेंस में बेटा अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस में अगर हम किसी व्यक्ति या किसी जगह या किसी सामान के बारे में बात करते हैं तो वो सामान या वो व्यक्ति या वो जगह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और उसके बारे में जो बात करते हैं वो सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया है द मैंगोज आर स्वीट. तो मैंगोज क्या है, किसी सामान का नाम है. ठीक है, तो मैंगोज हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट. मैंगोज के बारे हमने क्या बोला, आर स्वीट. तो आर स्वीट हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट. तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, द मैंगोज हमारा हुआ सब्जेक्ट और आर स्वीट हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट. उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में भी डॉग्स बार्क. डॉग्स क्या है हमारा, सब्जेक्ट. बार्क क्या है, प्रेडिकेट. ठीक है, इन द थर्ड सेंटेंस सुमन एंड रोहित एट बनानास. सुमन इज़ द सब्जेक्ट एंड रोहित इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट, क्योंकि दो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसका प्रेडिकेट क्या हुआ, एट द बनानास. ठीक है, दैट्स ऑल इन द टुडेज क्लास बेटा. चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस के नोट्स आप लोग इंग्लिश ग्रामर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा. नोट्स वही कंप्लीट करेंगे जो अप्रैल मई मंथ में आप लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप में दिया गया था. सेंटेंस टॉपिक निकालिएगा, जितना लिखने के लिए दिया गया था उतना आप लोग लिख लीजिएगा और एक्सरसाइजेस वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिएगा. सो आज हमारा सेंटेंस चैप्टर फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है. एक्सप्लेनेशन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड एक्सरसाइजेस इन पार्ट नंबर 3. थैंक यू वेरी much.